शांति शांति शांति। आज हम लोग अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक जीवन उपयोगी कथा सुनाऊंगा छांदोग्य उपनिषद से। बहुत महत्वपूर्ण है, क्या बच्चे क्या बड़े सबके बहुत काम किए। और आज तम की बात होगी, तो अगर मैं भूल भी जाऊं तो सूर्य से संबंधित मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएगी। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके, गुरु महाराज जी जिनकी कृपा से सब प्राप्त हुआ है, जो भी कुछ हम छोटा मोटा सीख पाए उनको प्रणाम करके उनकी वंदना करते हैं और फिर आगे बातचीत। और समय रहा तो मैं ध्यान की विधि भी आपको एक छोटी सी सबको जो लाभ दे सके और सब लोग सरलता से कर सकें वो अभ्यास कराऊंगा। प्रारंभ करते हैं। मन को शांत और एकाग्र रखिएगा। और थोड़ी देर के लिए चाहे तो नचकेता बन जाइए, चाहे तो जाबाल बन जाइए, चाहे यज्ञवालक्य बन जाइए, चाहे भगत सिंह बन जाइए, यानी अपने लक्ष्य पर ही फोकस कीजिए। हम यहाँ ज्ञानार्थ बैठे हैं और प्रभु की वंदना के लिए बैठे हैं, बस वहीं अपने आप को एकाग्र कर दीजिए। दिमाग को बाकी जगह भटकने मत दीजिएगा। ओम। आइए गुरु वंदना करते हैं। ध्यान मूलम शरणागत लो मेरे जीवन को, देव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, देव दया दो दीनन को, शरणागत लो मेरे जीवन को, देव दया दो दीनन को।
Thank you.
श्री कृष्ण भगवान की गुरुदेव भगवान की शिष्य से ज्यादा शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। अनमोल जी ने ये टास्क लिया इस सेना को ट्रेन करने का, बहुत अच्छा। अन्यथा इतने ऊंचे स्वर पर इतने छोटे बच्चे गाएं और जहां हम स्वर से ऊपर नीचे खेल भी रहे हो तो वहां बच्चे भी वही पकड़ के एकदम खेलते रहें, ये बड़ी बात है। और इसमें मैं डॉक्टर साहब का भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने परंपरा शुरू करी। और आप सबका धन्यवाद इसलिए क्योंकि आप तालियां बहुत अच्छी बजाते हो। आज आगे बढ़ते हैं, तो मैत्रेय जी और विदुर जी का संवाद था और उसे हम सब सुनकर लाभान्वित हो रहे थे। मैं कैसी जनरल बातचीत कर रहा हूं आपसे, ऐसे ही कुछ पूछना चाहता हूं। हमारी जो पौराणिक पद्धति है, शिक्षकों के लिए ये बड़ी विशेष और महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक का मतलब केवल प्रोफेशनल एजुकेटर से नहीं, सोशल एजुकेटर की बात कर रहा हूँ जिस ओर हम लोग काम करते हैं, और जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं उनके लिए तो है ही है। पौराणिक जो पद्धति है, यानी जो हम कह सकते हैं पौराणिक पेडागॉजी जो है, वो बहुत यूनिक है। और ये ठीक है कि उसमें आज के हिसाब से वो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी लगती है नहीं। मैं तो उसी पर चलता हूं, किसी को बुरा लगता होगा तो लगे। हमारी स्वस्थ परंपरा वही है, बाकी जैसे जैसे लोगों की बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है उनकी स्वतः समझ में आता है, फिर वो बुरा नहीं मानते हैं। हाँ, उस सारे समय में संघर्ष बहुत हो जाता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर कोई पद्धति सही है तो उससे समझौता नहीं करना चाहिए, ये आप लोग भी अपने जीवन में ध्यान रखें। मैं जो प्रश्न आपसे पूछा था, और बहुत लॉजिकल आंसर कीजिएगा, जबरदस्ती बोलना है करके मत बोलिएगा, लॉजिकल आंसर, क्योंकि मैं अब टोकना शुरू कर चुका हूं, डांटना भी शुरू कर चुका हूं। सामान्य सा प्रश्न है कि आपको कैसी कथा अच्छी लगती है, वो जो आपको अच्छी लगती है वही बताइएगा प्लीज। मंदिर में बैठे झूठ मत बोलिएगा कि हमको बड़ी ज्ञानवान वाली अच्छी लगती है, हमको ऐसी जिसमें ऋग्वेद हो और उपनिषद, ये सब जो जो आपको भाता है वो क्या भाता है कथा में, आप क्या जानना चाहते हैं।
अरे अगर मैं अभी ये पूछता कि आपको किस दुकान की या किस रेस्टोरेंट की कौन सी सब्जी पसंद है, तो अब तक तो आपने हल्ला मचा दिया होता, दो चार बल्ब फ्यूज कर दिए होते हमारे, एक तो अभी भी है। रोजमर्रा से रिलेट कर सके, अच्छा और जो जो भी आप के मन में हो, ये एक तरीके से समझ लीजिए मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे काम का है, आपके किसी काम का नहीं होगा, लेकिन आप आपकी सूचना पर मैं काम करूँगा, ऐसा समझ लीजिए, आपकी सलाह पर मैं काम करूँगा। कैसी कथा पसंद है? चल रही है, दोबारा बोलना, जिसमें फैक्ट्स हो और जिससे हम समझ पाए कि क्या हुआ था और अब क्या चल रहा है, कि रिलेटिविटी हम समझ पाए इतिहास और प्रेजेंट की, अगर कथा की हम बात कर रहे हैं, फैक्ट्स हो, सीख हो, फैक्ट हो, ये एक बार माइक का इंतजार कर ले सब लोग तो आवाज साफ आएगी। जी गुरुजी, पुरानी कथा से जो इतिहास है उसमें कैरेक्टरों ने जिस समस्या को फेस किया है वो समस्याएं हमारे जीवन में भी आती हैं, तो हम उससे आधार बनाकर उन्होंने उस समय क्या किया ऐसा हम कर सके ताकि हम भी समस्याओं से बाहर आ जाए। गुड, सीख हो, तथ्य हो, इतिहास हो और आपके जीवन में प्रैक्टिकल हो। कथा कैसे बोरिंग होगी? वो तो हर प्रकार का विद्यार्थी होता है। एक विद्या का अर्थार्थी होता है, उसे भी विद्यार्थी कहते हैं, और एक विद्या की अर्थी उठा देता है उसे भी विद्यार्थी कहते हैं। हंसी मजाक हो, ठीक है जी। राम राम गुरु जी। स्पिरिचुअल साइंस और धार्मिक ज्ञान के ऊपर बेस, स्पिरिचुअल साइंस, राइट जी, स्पिरिचुअल साइंस भी हो और धार्मिक ज्ञान भी हो, गुड आंसर सो फार, सभी के अच्छे आंसर्स हैं। इसके बारे में बताते हो हैं, जो डिवाइन मिस्ट्रीज के बारे में बताते हो, डिवाइन मिस्ट्रीज के बारे में, अच्छा अच्छा, गुड गुड। राम राम गुरु जी। राम राम। जो कथाएं हमारे अंदर उत्साह भर दें उस तरह की कथाएं अच्छी लगती हैं। उत्साह भरें जी गुरु जी, जिस तरह की कथा से हमारे अंदर विवेक जागृत हो, हमें सही गलत का सही पता लग सके, क्योंकि भांति भांति के लोग होते हैं समाज में, भांति भांति के विचार होते हैं उनके, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार डिसीजन लेने में कि राइट और रॉन्ग है क्या, तो कथाओं के माध्यम से हमारे अंदर ये विवेक जागृत हो कि एक्चुअल में राइट क्या है और एक्चुअल में रॉन्ग क्या है और हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, चरित्र बिल्डिंग एक तरीके से कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल। गुड। राम राम गुरु जी। आपने बताया राइट रॉन्ग, आपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात की। राम राम गुरु जी। हाँ बोलो बोलो बोलो। ऐसी कथाएं जो हमारे इष्ट, हमारे भगवान, जिन्हें हम अपना मतलब जिनके पथ पे चल ना हम ना जीवन जीना चाहते, उनके विषय में पूर्ण जानकारी मिले हमें, सत्य क्या है और हम भटके ना, जो तथ्य इधर उधर है उन वो क्लियर हो जाएं, ऐसी कथा अच्छी लगती है। राम राम गुरु जी। ऐसी कथाएं जिससे हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। गुरु जी सारे बदलाव दीदी लोग को चाहिए, भैया लोग को नहीं चाहिए। राम राम गुरु जी। ऐसी कथा जिसमें भारतीय समस्याओं का समाधान हो। समस्याओं का, भारतीय समस्याओं का, समस्याओं का समाधान। राम राम गुरु जी। ऐसी कथाएं जो मैं ध्यान मार्ग पे आगे प्रेरित करें बढ़ने पे। ध्यान। राम राम गुरु जी। ऐसी कथाएं जो हमें हमारे धर्म की वैज्ञानिकता के बारे में बताए कि उनका यूज क्या था,
ऐसी कथाएं जानना चाहूंगा जिसमें सच लिखा हो, जिससे कि हम उनको टोक सके जो हमारे धर्म पे हमला करते हैं। अच्छा स्पष्ट गुरु जी, मुझे लगता है कि जो मेरे इष्ट को मुझे बता सके और मेरे इष्ट प्राप्ति में मुझे सहायक हो जाए, मेरी साधना का स्तर बढ़ता जाए, वो कथाएं जो है वो मुझे सुनने का मन करता है। राम राम गुरु जी, ऐसी कथाएं जो मुझे समझ आ सके, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो सारे ये प्रश्न कथाओं का दोष है कि आपका? नहीं, मेरा ही दोष है, दोष तो मेरा ही है, पर मेरी समझ का ये शायद मैं बिगनर लेवल पर हूँ अभी। यहाँ पे सभी लोग बहुत बड़े बड़े जवाब दे रहे हैं। मैं ये भी एक अच्छा पक्ष है। गुरुजी राम राम, ऐसे कथाएं जो वैराग्य को की ओर ले जाए, जो जीवन का सच बताए, ऐसी कथाएं सुनना चाहूंगी। अच्छा राम राम गुरुजी, मैं बात ऐसे शुरू करूंगा, जब शुरुआत में टीवी पे कथाएं आती थी तो वो कभी उनमें मन नहीं लगता था और वो लगता था बेफिजूल है सुनना। जो हम मैंने अब तक अपने मतलब बचपन से अब जब देखना शुरू किया होगा, पर जब हम मैंने यहाँ जो आपने जब भी कभी सुनाया तो उसमें मन लगा। वो मन इसलिए लगा कि बाकी सब ने जितनी बातें बोली वो सब उस कथा में थी। इतिहास भी था, अपने ईश्वर के बारे में जानकारी भी थी, और वो इस प्रकार से आधुनिक युग से मिला के उसको बताया जा रहा था कि हम लोग को उसमें इंटरेस्ट आया। राम राम गुरु जी, मुझे ऐसे कथाएं अच्छे लगते हैं जिसमें विज्ञान भी हो और हमारे हिस्ट्री के बारे में भी हो। विज्ञान भी हो और हिस्ट्री के बारे में पता चले। हिस्ट्री, विज्ञान भी हो और हिस्ट्री के बारे में भी पता चले। गुड। इधर भैया पीछे कुछ कह रहे हैं। राम राम गुरु जी, ऐसी कथाएं जिसमें तर्क संगत बातें होती हों। तर्क संगत, उत्तर तो सारे बहुत अच्छे रहे। और ये अच्छी बात है अगर तो ये सभी उत्तर मन से दिए गए तो ये मेरे लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। ये प्रश्न यहां भले ही मैंने पहली बार पूछा हो, लेकिन मैंने ये प्रश्न अदरवाइज बहुत बार पूछा है और मुझे ऐसे ऐसे उत्तर मिले हैं कथा सुन के मस्त हो जाऊं। मैंने कहा ऐसी कौन सी कथा है जिसमें आदमी मस्त हो जाता है? तो दूसरे ने उत्तर दिया, यकीन नहीं करेंगे आप, सच बता रहा हूं आपको, लेकिन दूसरे ने उत्तर दिया जैसे वो पी के मस्त हो जाते हैं उस टाइप से मस्त हो जाऊं। ऐसे ऐसे उत्तर भी मिलते हैं। मैंने ऐसे भी उत्तर, मैं एक बहुत मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, पूजनीय है, उनसे कोई कह रहा था आज नचाना, वो कथा के लिए जब जा रहे थे, बड़े पूजनीय हैं, और उनसे कोई इस प्रकार की बात कह सके ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। एक व्यक्ति आए जो शायद समिति के कोई एक व्यक्ति रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, तो वह उन प्रकांड विद्वान और उन पूजनीय व्यक्तित्व से ये कह रहे थे आज ऐसा वर्णन करना बिल्कुल नचा देना दो तीन बार। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनसे भी कोई ऐसा कैसे नचा देना, क्या वो कथा सुनाने जा रहे हैं कि रॉक बैंड बजाने जा रहे हैं? लेकिन
शायद 18 या 19 की बात है, भले पूरे जीवन में एक दो ही कथाएं की होंगी। अच्छा, मेरी कथा सुनेगा भी कौन? आप जैसे लोग पकड़ में आ जाते हैं वो अलग बात है। तो आयोजक वहां भी मेरे पास आके कान में बोल रहे हैं कि बढ़िया सा गीत सुना दीजिए, कोई नाच लें सब लोग अच्छे से। मैं बड़े पशुपेश में, हमसे तो कुछ आता ही नहीं इस प्रकार का। और हम जिन पूजनीय विद्वानों के साथ रहे वहां तो भक्ति सीखी, तो भक्ति में तो सर पैर सब एक हो जाते हैं। भक्ति में आप डूब जाते हैं जिस वक्त, तो सर पैर सब एक हो जाते हैं। तो नृत्य हो तो वैसा हो, गायन हो तो वैसा हो जिसमें आर्टिफिशियलिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, और बाकी वो सारी चीजें हों जो आप सभी लोगों ने कही। भारतीय परंपरा यही है। मैं यही आप सुनना भी चाह रहा था कि हम लोग कितना समझ पा रहे हैं। आप सभी लोगों ने एकदम सटीक बातें कही, और जो आपने कहा कि मेरी समझ में आए, आज जो मैं छांदयोग से संबंधित एक कथा आपको सुनाऊंगा, छांदयोग उपनिषद में उसका वर्णन है, कुछ कुछ ये वैसे ही है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जो कथाएं आप सुनते हैं, जितने गुण आपने कथाओं में ढूंढे हैं, क्या आप अपने जीवन को उस रास्ते पर ढाल पाए? दो तीन लोग को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी की निजता का उल्लंघन क्यों करें हम, वो बताना चाहे बता दें, क्या आपका क्रोध कम हुआ? क्या वाणी दोष से आप मुक्त हुए? क्या वास्तव में इतिहास और तथ्य पता चले आपको, याद रखे, नोट्स बनाए? क्या अपनी दिनचर्या में 25% फर्क किया? क्या आप अधिक एकाग्रता से पढ़े? क्या आप चीखे नहीं, लड़े नहीं, इधर की उधर, उधर की इधर नहीं करी? क्या दिन भर फोन पर फालतू बकवास ना करके क्या आप प्रभु के सम्मुख बैठे, या कोई और कंस्ट्रक्टिव काम किया? जैसे गीत लिखना भी एक कंस्ट्रक्टिव काम है। जैसे जो हम जानते हैं, क्या हमने किसी से बात की, या हम सुबह उठे, या हमने संध्या की, क्या हमने प्रभु को भोग लगा के तब भोजन किया? ये दो चार चीजें हैं बस, ज्यादा नहीं मैं पूछ रहा। अगर तो ऐसा हुआ तो ठीक है, अन्यथा कथाएं तो अपनी जगह शाश्वत हैं, सत्य हैं। अगर हम अपने जीवन में उन्नत नहीं हो पाते तो ऐसे विज्ञान का, ज्ञान का लाभ होगा ही नहीं। हमें कितना परिवर्तन आएगा, हमें कितनी कर्तव्य निष्ठा आई। क्या हम अपने घर से बाहर निकल पाए दुनिया के लिए? क्या पेड़ पौधे पशु पक्षियों से प्रेम कर पाए? क्या सड़क पर चलते लोगों से प्रेम कर पाए? या जिस समूह में हम जाते हैं, क्या वहां निंदा ईर्ष्या त्याग पाए? हृदय पे हाथ रख के कहना, पूछूंगा भी नहीं, और अब मैं पूछ भी दूंगा तो कौन सा सच बता दोगे सबके सामने? मैं पूछ नहीं रहा। क्या जीवन में एक लक्ष्य है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो गई हो, 50 हो गई हो, 60 हो गई हो, 70 80 हो गई हो, लक्ष्य कभी भी बना के उस पर चला जा सकता है, चलने के तरीके अलग होते हैं। क्या उतनी सूरती, आप उत्साह की बात कर रहे हैं, कोई विज्ञान की, सब बिल्कुल सटीक बात है, लेकिन क्या स्वतः स्फूर्त है आप? क्या आज आपको कोई डांट दे कर्रा करके, मेरे जैसा व्यक्ति जिसको आप सम्मान दे रहे हैं, हूं उस लायक नहीं हूं वो अलग बात है, वो तो आप लोगों के फोन पे पता चलता है,
लेकिन मैं बहुत फ्रेंकली इस बात से को आपसे कह रहा हूं, क्या वो डांट सह पाएंगे चाहे आपके भले ही के लिए क्यों ना हो, या आपकी ईगोज आ जाएंगी? क्या भगवान की पूजा में ईगोज आ जाएंगे? क्या भगवान की पूजा में कर्म कांड और प्रपंच से दूर हो पाए? क्या घड़ी भर की साधना या ध्यान लग पाया? घड़ी भर का कह रहा हूं, मैं खुद ही 10 मिनट 20 मिनट की बात नहीं कर रहा। क्या आप इसके लिए कमिटेड हैं कि केवल चने खाकर पानी पीकर मैं अपने लक्ष्य पर डटे जाऊंगा, संसार का भला करूंगा? क्या यहां है आप? नहीं, हम में से ज्यादातर लोग नहीं है। और इसीलिए जो जो मंदिर बढ़ रहे हैं, भक्त कम हो रहे हैं, मंचमाला माइक घुस रहा है, ईर्ष्या करते हैं लोग एक दूसरे से, कहीं ऐसा ना उसको एक प्रसाद ज्यादा मिल जाए, कहीं ऐसा ना उसको कोई ज्ञान ज्यादा मिल जाए। ये मैं एक भूमिका भी बांध रहा हूं जो मुझे आपको उपनिषद से सुनाना है उसकी। हमने ब्लैक होल की थ्योरी पढ़ी थी और उसे बहुत सरलता से पढ़ा था। क्या याद है ज्यादातर लोगों को? श्रीमद् भागवत में तो वो ज्यादा है, बाकी जो चीजें की जाती हैं पता नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो ऐसी विलक्षण ज्ञान और विज्ञान की बातें ज्यादा हैं। क्या श्री हरि के रूप को जानने की उत्कंठा हुई कि नहीं हुई? क्या ऐसी उत्कंठा नहीं हुई श्री हरि के स्वरूप को जानने की रातों की नींद उड़ जाए? जब तक परिवर्तन भीतर से नहीं आता तब तक हम उपकुशल नहीं बनते, उपकौशल नहीं बनते, जिसकी आज मैं आपसे बात कहूंगा। क्या आपके अंदर वो उत्कंठा जागृत हुई कि कोई काम नहीं, मुझे तो कथा सुनने जाना है और ज्ञान विज्ञान इतिहास और आज के भारत की तस्वीर को उस भारत से जोड़ने की बात सुननी है, करनी है, चाहे दुनिया एक इधर की उधर हो जाए, ठीक है, सारे काम घर गृहस्थी के चलते रहेंगे, ऑफिस के चलते रहेंगे, दुकान फैक्ट्री चलते रहेंगे, लेकिन मुझे ये काम करना है। जिस दिन जाग गई ध्यान लग जाएगा, और नहीं तो कोई टेक्निक ध्यान की आपसे ध्यान नहीं करा सकती, सब फेल है, कोई टेक्निक नहीं है ध्यान की। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की बात शुरू करते हैं, दिति के यमज होते हैं, बाकी पूरी बात तो आपको याद ही होगी कि किस तरीके से श्री हरि ने उनको श्राप दिया था। और मैंने उसमें यह भी आपसे कहा था एक बहुत महत्वपूर्ण, आप कह रहे थे सीख, हर चीज सीख दे रही है, उस सीख को आपने अपने अनुसार आज के युग के अनुसार ढाल लेना है। सीख है कि श्री हरि से मिलने जा रहे हो तो द्वारपालों पे मत अटको। उन द्वारपालों ने मां लक्ष्मी को भी श्री हरि से नहीं मिलने दिया था, झेला। सनत कुमारों को भी उन्होंने श्री हरि से मिलने नहीं दिया, झेला, क्योंकि द्वारपाल को श्री हरि से मतलब नहीं होता है। भगवान और भक्त के बीच में कोई एजेंडा नहीं होता है, कोई मध्यस्थता नहीं होती है। और इसको आधुनिक युग में कैसे कर सकते हैं कि आपको यदि अपने हरि से मिलना है, भगवान से मिलना है, तो आप उसका नाम जपिए। यहां आके हम गेट पे अटक जाते हैं, हम एक दो लोगों में अटक के रह जाते हैं। क्यों? निंदा रस में ईर्ष्या में मजा आता है, और जो विद्वान व्यक्ति होगा वो उसके मंदिर में जाके बैठ जाएगा।
जिसको श्री हरि चाहिए उसे श्री हरि वहीं मिलेंगे। और जिसे निंदा रस चाहिए वो द्वार पे मिलेगा, द्वारपालों पे मिलेगा। इसीलिए दोनों गिरे नीचे, कौन? जय विजय, गुड। वो दोनों नीचे गिरे। जब वो दिति के गर्भ में आते हैं 100 वर्ष बाद, ये जो कैलकुलेशन है ये अलग किस्म की कैलकुलेशन है, ये अवैज्ञानिक नहीं है। तो उसके बाद जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं और उसका वर्णन किया गया है कि जब वो बच्चे जन्म लेते हैं सब में अंधेरा, मानो ऐसा कि सूर्य और चंद्र कहीं चले गए हों। पेड़ों से उनके पत्ते पतित हो गए, पेड़ों से उनके फल गिर गए, कुत्ते रोने लग गए, पक्षी छुप गए और सब जगह एकदम तम का वास हो गया, सब जगह एकदम अंधेरा छा गया। ये दो राक्षस इस प्रकार से जब धरती के ऊपर जन्म लेते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो एक चीज और कहते हैं, पुच्छल तारे घूमने लगे धरती के चारों, धूम केतु धरती के चारों ओर घूमने लगे, मतलब इतने घोर अपशकुन हो रहे थे क्योंकि दो ऐसे लोग इस धरती पर जन्म लेने वाले थे जो इस धरती का कल्याण नहीं करते। और वहीं जब श्री राम या श्री कृष्ण का जन्म होता है उसका जो वर्णन है कि चारों ओर पुष्प बिखर रहे हैं, लोगों को कुछ अच्छा सा लग रहा है, कुछ अलग सी छटा लग रही है, कुछ अलग सी सुगंध आ रही है, कुछ अलग सी महक आ रही है, एक रोशनी सी दिख रही है जीवन की, एक अलग सा उत्साह है आज, क्यों है नहीं पता लेकिन है। यह अंतर होता है एक पुण्य आत्मा में। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, ऐसे व्यक्ति के पास एक क्षण मत खड़े हो जो व्यक्ति नकारात्मक हो और आपकी सोच को नकारात्मकता की ओर धकेले, उसकी बेइज्जती भी करनी पड़ जाए, करो और चले जाओ, वो क्या कहेगा? अरे बड़े बदतमीज हैं, लेकिन आप ही तमीजदार हैं क्योंकि आप श्री हरि के चरणों में बैठने वाले हैं, इसलिए आप समझदार हैं। बेवकूफ वो है, उसकी नकारात्मकता से कभी प्रभावित मत हो, चाहे उसकी कोई उम्र हो, उसका कोई पद हो, छोड़ो उसको। जब सकारात्मकता की ओर चलोगे तब जाके हरि दर्शन होंगे। भगवान हमारे ऊपर निर्भर नहीं करते, हमारे भगवान को हमसे कोई लेना देना नहीं है, यदि हम ललाहित नहीं है उनके दर्शन के लिए। जब आपके दिल में वो तड़प नहीं होगी, भगवान को क्या पड़ी है? उनके लिए तो समस्त विश्व उनकी शैया है, उन्हें भक्तों से मतलब है। तो जब बुरा व्यक्ति आता है, नकारात्मक ऊर्जा वाला व्यक्ति आता है, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति आता है तो तम छा जाता है, मानो तम छा जाता है। कहते ना, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, यद्यपि इसका दूसरा रूप भी है कि बाकी मछलियां साफ कर देती हैं, लेकिन एक मछली अपनी नकारात्मकता देती जरूर है। एक कीचड़ में सना व्यक्ति गंदगी पानी में छोड़ता जरूर है, जल स्वयं को बाद में साफ कर रहे वो एक अलग बात है, लेकिन हम मौका ही ना दे ऐसा किसी को। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका व्यापार ही झूठ बोलना था। हम छोटे ही थे उस समय और उनका घूमने फिरने में मन लगता था, मंदिर वंदिर जाने में, कथा आदि सुनने में कोई इच्छा नहीं होती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि बाजार खुला ही नहीं, मजबूरी में और कहाँ बैठे,
तो शाम को वो मंदिर में आ जाते थे। एक बहुत महान संत वहां पर गीता पाठ करते थे। और पता नहीं कितने वर्षों से चल रहा, जब वो यात्रा पे होते थे तो अलग बात है, अन्यथा कितने वर्षों से वह धर्मशास्त्र का पाठ करते थे और समझाते भी थे। बड़ा मन लगता था, बेहद गंभीर थे, कोई तबला बाजा भी नहीं होता था, लेकिन उनकी वाणी में वो आकर्षण था, क्योंकि हरि की बात करते थे, नारायण की बात करते थे, शिव की बात करते थे, और ऐसी बात करते थे कि उनको प्यार करने वाला व्यक्ति वहां से उठ ही नहीं सकता। जो अपने इष्ट को प्यार करता है वो जहां इष्ट की बात होती है वहां से उसके लिए उठना मुश्किल होता है। मैं एक दिन क्या देखता हूं, उसके बाद प्रसाद वितरण होता था, तो वो व्यक्ति के पास जब प्रसाद आया तो वो कहते, नहीं आज मेरा उपवास है। उनके मुंह से उपवास शब्द मैंने सुना तो, व्रत कह रहे थे उनको पूरी जान के, व्रत शब्द मैंने सुना तो बड़ा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैं हंसी ठिट्टा भी करने लगा उनके साथ, पहले मैं बहुत हंसता था तो मैं हंसने भी लगा, मैंने क्या 3 बजे का भोजन करके 4 बजे से उपवास कर लिया? बोले नहीं, सूर्योदय से उपवास है, मेरा व्रत है और सूर्योदय तक मेरा व्रत रहेगा। बहुत बड़ी बात थी, जो व्यक्ति एक दिन में 6 बार खाता हो और जिसे दाल रोटी पसंद ही ना आती हो, बड़ा अच्छा लगा, प्रेरणा भी मिली। जो बड़े लोग अच्छे होते हैं उनसे प्रेरणा बहुत मिलती है बच्चों को, हमें बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन मैं क्या देखता हूं, 2:30 बजे वो जगे हुए हैं और गंगा तीर पर बैठे हुए हैं, गंगा किनारे बैठे 2:30 बजे। उनसे कोई जप वप करना नहीं आता था, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, यही करे जा रहे थे बस। मैंने सोचा कि हो सकता है भूखे रहे सारी रात, इतनी नींद नहीं आई होगी, लेकिन पूरे दिन में त्रिकाल संध्या उन्होंने शुरू कर दी। और कुछ ही दिनों में देखते देखते त्रिकाल संध्या भी वो कर रहे थे, रात्रि विचरण उन्होंने बंद कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने उठना शुरू कर दिया, ब्रह्म मुहूर्त में वो लगातार जप करते थे जो भी उनको आता था। प्रभु तो हर शब्द से पाए जा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको गहरे गहरे संस्कृत के श्लोक अथवा मंत्र आते हों, उसके प्रभाव अलग किस्म के हो सकते हैं, लेकिन प्रभु को आप राम 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 कह दीजिए किसी भी रूप से, बस भाव हो। और 10-11 दिन के अंदर वो व्यक्ति संत बन चुका था। जो व्यक्ति उस वक्त में महंगे से महंगे चश्मे और कपड़े पहनता था, वो व्यक्ति 10-11 दिन में आधी धोती और गमछा पहन के घूम रहा था। और एक समय आया, देखिए परिवर्तन ऐसा होता है, करोड़पति वो रहा होगा, क्योंकि उस समय मुझे अच्छे से याद है, सूमो गाड़ी होती थी, लाल रंग की सूमो गाड़ी उसके पास होती थी, उस वक्त में सूमो गाड़ी बहुत बड़ी चीज थी, टाटा सुमो, अगर आप में से किसी को याद हो तो, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, टाटा सुमो इसके पास, ठंडी हवा देती है। उसका परिवार जब उसको लेने आया तो उसने अपनी सारी चीजें परिवार को देके कहा, जाओ मेरा जब मन होगा मैं आऊंगा, कुछ पूछना है तो लैंडलाइन पे यहाँ फोन कर लेना, और तो कुछ होता नहीं था मोबाइल वगैरह तब, बाकी मुझे यहाँ सुकून से रहने दो। ऐसा मन रामा भक्ति में कि उन्होंने नाती पोते पोतियां जो भी मेरे सामने की बात है मान्यवर,
उन्होंने कहा ये गाड़ी, उसकी चाबी और जो कुछ मेरा सामान है और जो आभूषण वगैरह वो पहनते थे, मोटी मोटी सोने आदि की चेन, ले जाओ, सब ले जाओ। ये होता है तप, ये होती है भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति। अगर वो भी द्वारपालों में उलझ जाते तो उनका भी वही हाल होता। अपने मार्ग को निर्दिष्ट किया और काफी उम्र थी उनकी और चल दी। उनके जो बच्चों के बच्चे थे वो भी बड़े बड़े थे, इतना मुझे याद है अभी भी। तो ये है, और उसके बाद उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। और जो व्यक्ति हर वक्त ऐसे लोग पसंद करता था जो उसकी चापलूसी करते रहे, वो व्यक्ति सब ऑब्वियसली, वो इतना बड़ा स्टाफ था उनका, तो कई फैक्ट्रियां थी, वो व्यक्ति जंगल की तरफ गया, वहीं एक कुटिया डाली, वहीं रहना शुरू कर दिया, लोटा लेके जंगल जाना शुरू कर दिया। ये होती है लगन। मैंने एक, मैं अपने शहर की बात बता रहा हूं जहां मेरे शरीर का जन्म हुआ, वहां एक भुर्जी थे, भुर्जी समझते हैं, चने वगैरह भून के खिलाते हैं, और उनका एक छोटा बच्चा था। ये बड़े सुनने वाली बात है आप लोग के लिए भी सब। तो मैं ऐसे ही उसे कहने लगा कि मुझे थोड़े से चने दे दो, 50-25 पैसे के होंगे। तो उसने कहा ठीक है दे, चने दो, ऐसे करके यूं करके वो डाल रहा था, ऐसे ऐसे कोन बना दिया। उसके हाथ पर नजर गई, ये तो असाधारण व्यक्ति है कोई। मने का तू तो बहुत बड़ा अफसर बनना चाहिए। वो हंस पड़ा, बोला यहाँ खाने के पैसे नहीं है। वो पढ़ता भी नहीं था, एडमिशन भी नहीं था उसका। मैं ज्यादा उसके बारे में अभी नहीं बता सकूंगा, लेकिन लगन देखिए क्या होती है, और लगन के लिए त्याग कितनी जरूरी चीज है। उसने अपनी आगे जाकर, न जाने क्या ईश्वरीय प्रेरणा थी, आगे जाकर उसने अपने पूरे जीवन को बदल दिया। सत्य घटना मेरे सामने की है। वो स्थान मुझे अभी भी याद है, उसका ठेला अभी भी याद है। और ऐसे ही अद्भुत लगन थी उसके अंदर कि वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बना। यह है लगन। एक मैंने बताया कि अध्यात्म को किसी ने सीखा, अंगीकृत किया और वो संत बन गया। जो व्यक्ति बहुत अमीर था, वो व्यक्ति नौकरीजीवी नहीं था, उस वक्त भी उसके पास मिले थी, मिले बोलते थे, उस वक्त भी मिले थी, जिसके अंदर लोगों को वो नौकरी देता था। सोचिए कितना धन होगा उसके पास। सब त्याग के वो अपने मार्ग पर चल दिया। एक भरा पूरा परिवार था, अपने मार्ग पर चल दिया। यह होती है जिजीविषा। यह प्रेरणा मिलती है कथा से, यह प्रेरणा मिलती है कथा से। और इसीलिए ये प्रेरणा जो पाते हैं, शिक्षक उनसे दूरी बना देता है। क्यों? फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। केवल 0.5% से भी कम ऐसे लोग होंगे जो आपके निकट आए और सीख ले। इसीलिए बच्चे माता पिता से आसानी से नहीं सीखते, सैकड़ों में से 2-4 ही होते हैं। बिकॉज फेमिलियरिटी ब्रिंग्स कंटेम्प्ट। सभी माता पिता की लगभग एक सी चिंता होती है, पढ़ता ही नहीं हमसे, हम भी तो मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं, वो नहीं पढ़ेगा, ट्यूशन से पढ़ लेगा। नहीं सीखेगा गाना, पड़ोस में जाके सीख लेगा। सैकड़ों में से 2-4 ही ऐसे विद्वान पैदा होते हैं जिन
जो फेमिलियर होने के बाद शिष्य होते चले जाते हैं और प्रखर शिष्य होते हैं, बाकी तो कूड़ा करकट बखेर देते हैं वहां पर। वो नारायण के स्तर तक नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे नारायण की टांग खींच के अपने स्तर तक ले आए। दोनों दैत्य यही कर रहे हैं। और इसीलिए उनका वरुण देव ने वध प्रिडिक्ट किया। जब हिरण्याक्ष स्वर्ग पहुंचा, क्यों पहुंचा? स्वर्ग पे कब्जा करने के लिए नहीं, लड़ने के लिए। उसे वहां लड़ने वाला नहीं मिला तो वो लहरों पे गदाएं मार रहा था अपनी। कुछ लोग होते हैं वो पैदाइशी सन के होते हैं, अगर सारे लोग उन्हें प्यार करने वाले मिल जाएं तो उनको खाना नहीं हजम होगा। अगर उनको कोई इज्जत देना शुरू कर दे तो वो इज्जत हजम नहीं होगी उनको, क्यों? आदत लड़ने की है। तो हिरण्याक्ष भी यही कर रहा था, लहरों पे गदा मार रहा था, जबरदस्ती परेशान करने की कोशिश करी उसने, लड़ाई नहीं हुई। उत्पात मचाने लगा तो वरुण देव ने उससे कहा, देखिए जो बहुत खास बातें होती हैं वो बहुत धीरे से कही जाती हैं, उसके पीछे कोई विज्ञान या रहस्य नहीं है, वो धीरे से ही निकलेगी। अब आपकी मर्जी, आप समझ जाओ तो ठीक है, नहीं समझो तो प्रभु इच्छा। तो वो धीरे से उन्होंने कहा कि इनसे मिलो, इनसे मिलो, इनसे इन पर शिव जी पे जाओ, नारायण पे जाओ, वही तुम्हारी जिंदगी का बंदोबस्त कर देंगे। ये मैं उर्दू में बोला, उन्होंने ये नहीं कहा था ऐसे। उन्होंने मैं श्लोक को श्लोक 31 वो कहते हैं, नारायण पे जाओ वो तुमसे लड़ेंगे, बड़े वीर हैं वो, और उनके पास पहुंचते ही जो तुम्हारे अंदर का घमंड है वो पूरा हो जाएगा। अब धीरे से बोल देते हैं वो, और तुम कुत्तों से घिरकर वीर शैया पर शयन करोगे। धीरे से कहा, कितनी गहरी बात, वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। वीर शैया और कुत्ते से क्या मतलब है? मार देंगे तुमको। ये बात धीरे से कह दी। हिरण्याक्ष को लगा हाँ, एक व्यक्ति मिला, क्योंकि घमंड व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। जिस वक्त आप चीखना शुरू करेंगे, जिस वक्त आप लड़ना शुरू करेंगे, जिस वक्त किसी बात पे क्रोध करना शुरू करेंगे, मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगेंगे। तो वो समझा ही नहीं और उसका वध हुआ। अब इसको हम जोड़ते हैं, पहली चीज तो तम से कैसे निकलते हैं, अंधकार अंधेरा। जीवन में जब भी आपके अंधेरा बहुत छाने लगे, अंधेरे का मतलब ये नहीं कि लाइटें चली जाएं, ये मानसिक अंधेरे की बात कर रहे हैं, मन के अंधेरे की बात कर रहे हैं। अंधेरे से कभी ना कभी हम अपने जीवन में सब प्रभावित होते हैं, हम सब मनुष्य हैं। भगवान भी जब अवतार लेकर आते हैं तो कभी ना कभी वह भी उदास होते हैं। श्री राम भी हुए थे, श्री कृष्ण भी हुए थे, हमारी जैसे लोग की तो बिसात ही क्या। लेकिन प्रभु जी सबका अरेंजमेंट करके रखते हैं,
अब किसका क्या अरेंजमेंट करेंगे व्यक्ति के कर्म पर निर्भर होता है। तो जब ऐसा तम घिर जाए, जब मन में अंधेरा हो, तो सबसे पहला काम यह करना है कि मैंने इस अंधेरे से लड़ना है। बहुत अंधेरा जब गहरा जाता है उसी को डिप्रेशन कहते हैं। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट डार्कनेस, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। श्री अर्जुन को भी यही तो हुआ था। अध्याय एक को गीता में अध्ययन करते हैं, होंठ सूखने लगे, कांपने लगे, थकने लगा शरीर, खड़े नहीं रह पा रहे थे, गांडीव रख कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो जब तम बहुत गहरा जाए तो सबसे पहले अपने अंदर वो प्रेरणा और उत्साह उत्पन्न कीजिए। कथाएं जो कहते हैं, जो आप लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि मुझे इस अंधेरे से लड़ना है, पटखनी देनी है, बाकी टेक्निक्स वेक्निक सब सेकेंडरी है। पहले तो यह संकल्प होना चाहिए और यही संकल्प में ज्यादातर फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना है, 100 करके आऊंगा, लेकिन उसके लिए मैदान तो जाना पड़ेगा ना। मैदान तो पहुंचो, उसके बाद वो संकल्प करना। हम सब कुछ स्वप्न में संकल्प कर लेते हैं, मैदान में पहुंचे बिना। तो आप पहले तो ये नियम बना लीजिए कि मुझे अंधेरे से लड़ना है। मजा नहीं आ रहा होगा ना दीदी, मैं हंसी मजाक कर ही नहीं रहा। दूसरी चीज सबके काम की है, जब बहुत असफलताएं आती हैं तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं थकता है मन, सबका थकता है। देखिए कहीं ना कहीं क्षोभ पीड़ित करता है मनुष्य को। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपके कोई गुरु हो उन्हें प्रणाम करके, प्रणाम करना आना चाहिए। वो वाला नहीं, तरीके वाला, ऐसे ही करते हैं ना दूर से आया। जैसे ही आप साष्टांग होते हैं या दंडवत होते हैं, वैसे ही अपने, अब इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी दंडवत हो जाए, नियम अनुसार, समय अनुसार। तो आपका जो रक्त का, हाँ वो छोटू सा बच्चा कह रहा था ना विज्ञान हो, तो वो रक्त और उसमें पांव खड़े नहीं किए जाते, ऐसे लेटाए जाते, मतलब उंगलियां जमीन को नहीं टच करती हैं, पृष्ठ भाग जो होता है वो ऐसे होता है। और हाथ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर गहरी श्वास लीजिए। अब इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे ही ये रक्त प्रवाह होता है आपका मन एकाग्र हो जाएगा, या वज्रासन में बैठकर हाथ पीछे करके मस्तक को धरती पे लगाइए, हालांकि ये थोड़ा कठिन काम है। मन एकदम एकाग्र हो जाएगा, उसके बाद आप बैठिए और 5 मिनट हैं, 10 मिनट हैं, जितना भी आप पे समय है, आप कोई मंत्र नहीं जानते कोई बात नहीं, कोई श्लोक नहीं जानते कोई बात नहीं, आपके जो भी इष्ट हैं बार 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 उनके नाम का स्मरण करते रहिए। चाहे बोल कर कीजिए, उपांशु में कीजिए,
और चाहे मानसिक कीजिए, लेकिन लगातार वही नाम जपते रहिए। अपने आप धीरे 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 अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर लेंगे। समय लगता है, एकदम नहीं होगा। और प्रभु के निकट जैसे ही आप जाते हो, प्रभु परीक्षाएं लेना शुरू कर देते हैं। उससे आपको पार जाना होगा। कुछ लोग आएंगे, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप भी कुछ लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मैं ये मतलब तो टू वे है। कुछ ऐसा खा लेंगे जिससे नींद आ जाएगी, मन ही नहीं करेगा दंडवत करने का, या कर ही नहीं सकते कि या तो प्रभु के पास बैठने की जगह कहीं और बैठना पड़ेगा। अब मन लगा सिर्फ नाम लिए जाइए। और मैं जिसे अपने लिए महामंत्र कहता हूं, अपने लिए, आप लोगों के हिसाब से अपने अपने हो सकते हैं इसमें कोई, मेरे प्रभु क्षमा मदई, मेरे गुरु क्षमा मदई, मेरे लिए यही है। इसी से मेरे अंदर, अगर भगवान ना करे कभी कोई अहंकार आदि आए भी, शांत हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इसी से शांत हो जाएगा। लेकिन मैं शब्द नहीं बोलूंगा, अक्षर नहीं बोलूंगा, भाव समर्पित कर दूंगा। यही अंतर हो जाता है बस। और आप धीरे धीरे अपने सूर्य को चेतन अवस्था में ले आएंगे। आपका जो मस्तिष्क, मैं फिर बता रहा हूं इसको वैज्ञानिक तरीके से, जो थैलेमस है, ब्रेन का एक पार्ट होता है थैलेमस, तो जो थैलेमस पार्ट होता है उसमें सूर्य, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज और जागृत हो जाएगा। और उसके बाद सूर्य से संबंधित जो भी दैहिक दैविक समस्याएं हैं, भौतिक समस्याएं हैं, तीनों प्रकार की समस्याओं का निस्तारण होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य को जल दे दीजिए। देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। लेकिन शर्त वही, भाव, पूर्ण समर्पण। नहीं कर सकते तो सिर्फ ये एक थिएटर एक्टिंग है और कुछ नहीं, और ईश्वर इससे नाराज होते हैं। तीसरा जो विषय है, छांदोग्य उपनिषद कि एक कथा मैं आपको सुनाता हूं। बोर तो नहीं हो रहे? हो भी रहे होगे तो कौन सा कहोगे। छांदोग्य उपनिषद अब सभी जानते हैं कि उपनिषदीय परंपरा हमारे अंदर, हमारी संस्कृति में क्या महत्व रखती है। और एक समय आएगा, देखिएगा, कि लोग उपनिषद और वेदांत की तरफ ही अपना पड़ाव करेंगे। क्योंकि जो बहुत सारी चीजें कुछ भी सुना दो या कुछ भी वर्णन कर दो, उससे लोग थक जाएंगे। उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ नहीं पाएंगे। वहां गलत कुछ नहीं है, पुराण में गलत कुछ नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स है। उस उलझन को सुलझाने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ा दिमाग लगाना होता है। हमारी रुचि उसमें नहीं है, इसलिए वह एक मार्ग जो भक्ति, ज्ञान, प्रेम सब तरफ लेके जाएगा, एक ही मार्ग है। और वह मार्ग है वेदांत का। तर्क वहां है, सोच वहां है,
विज्ञान वहाँ है, कथा वहाँ है, धीरे धीरे सभी लोगों को वेदांत की तरफ आना पड़ेगा। छांद्योग उपनिषद में बहुत सारी कथाएं, एक मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी, याद है कौन सी? पढ़ के नहीं बताने, याद होता तो पन्ने क्यों पलटते। यस, पन्ना पलट के। देखो गलत बोलो, बोलो कॉन्फिडेंस, अगर नहीं बोलोगे तो कुछ भी करेक्ट नहीं किया जा सकता, कंटेंट गलत होगा तो सही किया जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूं, बोलो जरूर, तभी तो सीखेंगे। इसमें जाबाल की एक कथा है, जाबाल बहुत बड़े विद्वान है, उनका नाम एक सतकाम भी है, उनको सतकाम जाबाल भी कहते हैं, उनकी माताजी का नाम है जाबाली, और वो उस समय के अनुसार से ब्राह्मण है, जाति या जन्म के हिसाब से नहीं। ये इस बात को भी बताता है कि हम लोग कितने ज्ञानोन्मुक्त थे, जिस पर ज्ञान है उसी के चरणों में झुक गए, जिस पर भी ज्ञान है। अब यहां शिक्षकों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण पेडागोजी है, और यह आप लोगों के लिए नई नई है, यह भी मैं बता दे रहा हूं। जाबाल धीरे 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 धीरे, दो बहुत प्रमुख चरित्र हुए हैं जिनको मैं कभी आपको पूरी तौर पर सुनाऊंगा, एक के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की थी लेकिन और डिटेल से सुनाऊंगा। दूसरे हैं अष्टावक्र और तीसरे सतकाम जाबाल, श्वेत केतु जी के बारे में तो चर्चा की ही थी। तो ये आचार्य जब हुए, इनका आश्रम हुआ फिर, और वो दिन बड़े अच्छे थे जब राज्य आश्रम चलाने की व्यवस्था करता था, आश्रम लोगों पर निर्भर नहीं होता था, क्योंकि लोग जो करते हैं, मेरे दिल से पूछो, तो राज्य उस वक्त आश्रम चलाता था, नालंदा में भी यही व्यवस्था थी, 100 गांव का रेवेन्यू नालंदा विश्वविद्यालय में जाता था, 100 गांव का रेवेन्यू, उस पर राजा कभी अपना अधिकार नहीं मानता था। जिस दिन से व्यवस्था टूटी, इसमें मुगलों का भी दोष है, इसमें अंग्रेजों का भी दोष है, लेकिन भारतीय जनता का बहुत दोष है, इसने गुरुओं को बंधक बनाना शुरू कर दिया, शिक्षकों को आचार्यों को बंधक बनाना शुरू कर दिया, क्यों 5 पैसे दिए हमने, कोई क्या सिखाएगा फिर? जहां पर जाकर निष्काम भाव से कार्य करना सीखना था वहीं साकाम हो गए। तो जो जाबाल है वो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते और विद्यार्थी वहीं रहते थे, आप पढ़ा ही नहीं सकते यदि 24 घंटे विद्यार्थी आपके सामने नहीं है। दो प्रकार की विद्याएं थी, एक ब्रह्म विद्या और दूसरी जीवन विद्या। ब्रह्म विद्या पर जाबाल का ध्यान कम था, समझने की बात है, जीवन विद्या पर ज्यादा दबाव रखते थे, जीवन विद्या को ज्यादा सिखाने की कोशिश करते थे, जीवन विद्या यानी चरित्र निर्माण। अब चरित्र निर्माण की बात छांद्योग उपनिषद में किस तरीके से कही गई है,
जिस व्यक्ति में धैर्य हो, हर उस वक्त हर उस व्यक्ति को जब वो प्राण छोड़ेगा जवाब देना पड़ेगा कि तुम कथाओं में बहुत गए, चित्रगुप्त जी पूछेंगे वहाँ पर तुम कथाओं में गए, तुमने बताओ धैर्य कितना सीखा है। और बच्चों की तरह वही हंस सकता है जिसमें धैर्य हो। अधीरता निषेध है। देखिए भारत की एजुकेशन सिस्टम, दूसरी चीज शारीरिक स्वास्थ्य, और कंपेयर करते जाइएगा अपनी लाइफ से। तीसरी चीज सहिष्णुता, टुगेदरनेस, कितने लोग कितने लोगों के साथ बिना ईर्ष्या बिना राग द्वेष के रह सकते हैं, सहिष्णुता, ये उनका सिलेबस है भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, छांदी उपनिषद में जाकर पढ़ लीजिए, मैं तो रेफरेंस से बात कर रहा हूं। उसके बाद सेवा, उसके बाद सत्यनिष्ठा, जाबाल ऋषि के अनुसार यह परिभाषा है चरित्र की। और वह कई वर्षों तक चरित्र निर्माण पर बल देते थे, कई वर्षों तक, और कुछ सिखाते ही नहीं थे, चरित्र निर्माण पर बल देते थे, क्योंकि जिसके पास चरित्र आ गया, जिसमें ये गुण आ गए, उसे दुनिया की कोई भी चीज चुटकियों में समझ में आ जाएगी, और नहीं तो सारी जिंदगी खुद से झूठ बोलता रहेगा, अपने भगवान से भी झूठ बोलेगा। खुद से झूठ बोलने का मतलब ही भगवान से झूठ बोलना है। सबसे पहले व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है ईश्वर के प्रति, और ईशावास्या की बात को आगे माने तो ईश्वर स्वयं के भीतर है, तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है स्वयं के प्रति। तत् तम पिछली बार हमने सीखा था इसे। इसलिए वो चरित्र निर्माण पर ही बल दे रहे हैं। आपको मालूम है आज स्थिति क्या है? मैं उसी पद्धति को फॉलो करता हूं, चाहे कोई नाराज हो, हंसे, खुश रहे, समझे ना समझे, लेकिन लोग आश्रमों को भी स्कूल की तरह से कोर्स समझने लगे। हम 6 महीने हमें तो कुछ नहीं सीखा। रहे तुम सीखने लायक अभी नहीं बने हो, मैं तुम्हें ध्यान कब सिखाऊंगा? तुम्हारा तो पेट ही खराब है, ध्यान के लिए बैठ सकते हो? खुद भी नहीं बैठोगे, और थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो कोई नहीं बैठ सकता मंदिर के अंदर। अच्छा लगा? कफ जितना बढ़ेगा दिमाग को उतना कमजोर करेगा। इसलिए सारे पेरेंट्स से कह रहा हूं जो यहां उपस्थित हैं और जो यूट्यूब पर उपस्थित हैं, कफ मत होने दो बच्चों को, रोकने की कोशिश करो, उचित चिकित्सीय सलाह लो। और इसके लिए सामान्य यानी आयुर्वेद का उपयोग करो, जबरदस्ती उसे सुखाने की कोशिश मत करो। पित्त अगर है, जिसके अंदर पित्त है, उसे धैर्य नाम की चीज ही नहीं हो सकती, और ध्यान बिना धैर्य के हो नहीं सकता। क्षण क्षण बदलोगे, इधर से उधर उधर, अभी ये कर रहे हैं, अभी शाम को ये करेंगे, परसों को ये करेंगे, कल को ये करेंगे, तो अभी ये छोड़ देते हैं, इतना कंफ्यूज लाइफ जीते हैं। टारगेट कितने सालों का है जीवन में, ये हमारी पैटेगजी है,
ये हमारी शिक्षण व्यवस्था है। पहले प्रिपेयर करो, घड़े को खाली करो, दिमाग को खाली कर दो, अब उसके अंदर धैर्य हो, सत्यनिष्ठा हो, स्टैंड लेना हो, तब एक चरित्र का निर्माण होता है। जब वो देख लेते थे कि चरित्र का निर्माण हो गया है, उसके बाद ब्रह्म विद्या सिखाते थे, फिर तो चुटकियों में कोई सीखता चला जाता था। अब उनके पास एक विद्यार्थी आता है, उसका नाम है उपकौशल, ऋषि कमल का पुत्र है उपकौशल। उपकौशल बहुत विद्वान नहीं था, उपकौशल स्लो लर्नर था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि निर्णय मैं आप पर छोड़ूंगा, मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आप पर छोड़ूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। इसके अंदर एक बहुत छिपा हुआ तत्व बीज है, वो आपको पकड़ना होगा। तो उपकौशल जो है वो स्लो लर्नर है, तो जिस चीज को बाकी विद्यार्थी दो या तीन वर्षों में, तीन वर्ष का कोर्स मान के चलते थे केवल चरित्र निर्माण के लिए, उसके बाद तो फटाफट फटाफट हो जाएगा सब कुछ। तो जो बाकी विद्यार्थी तीन साल में सीखकर और उसके बाद दीक्षित भी होकर चले गए, ये बिल्कुल बेसिक ही नहीं सीख पाया, और वो बहुत स्ट्रिक्ट है। होंगे किसी के भी पुत्र, लेकिन आपके अंदर अभी वह निर्माण नहीं हुआ, ना वो धैर्य आया, ना सत्यनिष्ठा आई, ना सहिष्णुता आई, मैं आपको नहीं सिखा सकता, अभी और प्रयास करो, अभी और अभ्यास करो। लेकिन ये दौर ऐसा दौर था जब लोग शिकायत नहीं करते थे, ये समझ जाते थे कि हम में ही कोई कमी है, और मेहनत करते और मेहनत करते, बाकायदा परीक्षाएं होती थी, आउटकम रिजल्ट्स देखे जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम कोई मूढ़ बुद्धि लोग थे जो आए सो मैकॉले लेके आए यहां पर, हर विषय की परीक्षा होती थी, और परीक्षाएं दो प्रकार की होती थी सबकी, एक कक्षागत परीक्षा और दूसरी क्षेत्रगत परीक्षा, जिसमें उस वक्त के लिए जो आवश्यकता है, जैसे गौ चराना, खेती करना और भी चीजें, ये कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे, अब क्या करें। तो इनको एक काम सौंपा, देखिए आचार्य या गुरु आसानी से धक्का नहीं देता, जब तक कि व्यक्ति खुद ही ना उछल कूद ज्यादा कर दे। तो इन्हें कहा ठीक है तुम गाय चराओ, और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, गाय चराना आज हो सकता है आपको बहुत सरल काम लगे, क्योंकि आज गाय को लेके कहीं नहीं जाना है, गौशाला में ही आपने बुधवार के दिन चारा आ ही जाएगा, उपाय बता दो 10-20, किसी को बृहस्पति का बता दो, महीने भर का, हफ्ते भर का काम ऐसे ही चल गया। ये उस वक्त की बात बता रहा हूं जब जंगल जाना होता था, और घास देख के ये समझना पड़ता था कि कहां पर कितनी रसीली घास गाय को मिलेगी। एक तरीका होता है, समझ जाते हैं कि आगे जाकर जो लोग गांव से जुड़े हुए समझ जाएंगे कि अच्छा यहां आगे मिलेगी घास, यहां पर पेड़ बहुत घने हो गए हैं, अब यहां घास नहीं मिलेगी, पीछे आओ धूप की तरफ। ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, उसमें ये अच्छा नहीं कर पाए। फिर एक दिन उनको कहा, उनको तरस आया, उन्होंने कहा अच्छा तुम अग्नि कार्य करो। अग्नि कार्य मतलब
यज्ञ हवन भोजन जहाँ अग्नि का प्रयोग होता है अग्नि कार्य इसने करना शुरू किया और बार बार शिकायत भी करता था मुझे सिखाई नहीं रहे। उनके जो मित्र बंधु थे वो दीक्षित होकर चले भी गए, कह रहे मुझे नहीं सिखा रहे। क्यों नहीं सिखा रहे थे? कि उस सीखने लायक नहीं था। वह शिक्षा मजबूरी की शिक्षा नहीं है टीचर की, वह शिक्षा सर्टिफिकेट ओरिएंटेड शिक्षा नहीं है कि आप कुछ करो ना करो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, ज्यादा फेल हो गए तो फिर री दे देना, बैक दे देना, पास होके ही निकालेगा CBSE आपको। जिंदगी की शिक्षा थी जिसमें विज्ञान भी था तो अंकगणित भी था तो अर्थशास्त्र भी था तो कृषि भी थी तो विदेश संबंध भी थे। श्री कृष्ण को भी यही शिक्षा मिली है। अब अग्नि कार्य उन्होंने करना शुरू किया, उसमें उन्होंने एक दिन गुरु माँ को पकड़ लिया, गुरु संगनी अब उनको पकड़ लिया और उनके सामने रोने लगा। माँ तो माई है, उद्रवित हो गई। कुछ समय के बाद जब ऋषि आए, ऋषि जाबाल, तो उन्होंने कहा देखो इतनी मेहनत कर रहा है इसे कुछ सिखा दो, ये ठीक जाएगा। लेकिन ऋषि तो कड़क बोले और परीक्षाएं देनी होगी इसे। अब महाराज देखो कितनी सेवा कर रहा है, अब ये देखो सेवा तो आई गई ना इसके अंदर। बोले इसके अंदर धैर्य नहीं आया अभी, लेखन के लिए वादन वाचन के लिए अध्ययन के लिए धैर्य चाहिए, पूजा के लिए धैर्य चाहिए, वो तो है ही नहीं, क्या सीखेगा? ये मेरे को एकाग्रचित्त होकर सुन ही नहीं सकता क्योंकि पुस्तकें वैसे तो थी नहीं छपी हुई, श्रुति परंपरा है, तो ये सुनेगा क्या? एकाग्र होगा नहीं, एक सेकंड आपकी आंख में झपकी आई तो चूक जाएंगे आप। फिर यहां बहुत सारे लोग हैं जो अब तक चूक गए। उन्होंने कहा अच्छा नहीं, आप ही इसे इस लायक बना दो कि ये ब्रह्म विद्या सीख के दीक्षित हो जाए। उन्होंने कहा रात में यज्ञ करो, अग्नि का आवाहन करो, एक टेक्निक सिखाई। मैं बहुत थे कि नहीं जानता, कुछ चीजें जानता हूं लेकिन दूंगा सुपात्र को, नहीं तो बगल में दबा के ले जाऊंगा। जबरदस्ती बांट के क्यों जाना? बंदर के हाथ में बंदूक दोगे तो क्या करेगा? तो ये बात आप कह सकते हैं इनइक्वालिटी है साबित, तो इस पर तो अधिकार है। तो जो ऐसी बात कहते हैं मैं उनसे एक चीज कहता हूं, तो मेरे से ऑपरेशन करा लो, फिर कोई नहीं आता। कैसे कराएगा? कहेगा डॉक्टर तो है नहीं आप। मैं क्या, फिर एक सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, सर्टेन लेवल ऑफ स्टडीज चाहिए। अध्यात्म को लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि बस ये तो केला है, छिलका उतारो गुड़ गुड़ गुड़, उसमें कोई बीच में वो क्या कहते हैं डंठल वंठल भी नहीं होता, कुछ भी बोल दें कुछ भी कह दें, क्योंकि सारे तो ऋषि पुत्र हैं हमारे यहाँ या ऋषि पुत्रियां हैं, पता नहीं कौन सिखा गया है आपको। खैर अब वो अग्नि का आवाहन करते हैं। मैं ये चीज कभी आपको बताऊंगा भी, बहुत ग्रेजुअली, लेकिन ये फैशन नहीं है, ये कठोर साधना है। थोड़ी देर में एक आवाज सुनाई पड़ती है। आप लोगों को ये मजाक लगता होगा ना, दरअसल हमसे कुछ नहीं आता है तो हम ये कहते हैं ये होता नहीं है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी बुद्धिहीनता है। हम इस ब्रह्मांड का, रेत का एक कण के 1,00,000वें हिस्से के बराबर भी ज्ञान नहीं रखते हैं। ध्यान इतना विस्तृत है,
बहुत पढ़ना है। एक आवाज सुनाई देती है, इधर उधर देखते हैं, अग्नि कुंड में से आवाज सुनाई देती है, बोलो क्या इच्छा है। कहते हैं मुझे ब्रह्म विद्या सीखनी है। प्रचंड अग्नि हो जाती है, ये भीतर अग्नि है, प्रचंड होती चली जाएगी और उसके बाद आपका मन सिवाय अपने लक्ष्य के और लगेगा ही नहीं। दिन रात वही चीज सोचेंगे। कभी इस मानसिक स्थिति पे आके देखो, तब समझ में आएगा, नहीं तो ये गूंगे का गुड़ है। मैं इससे ज्यादा और आपको क्या बता पाऊंगा, ये तो खुद आपको अनुभव में लाना पड़ेगा। प्रभु है और दर्शन देता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए। और नहीं तो चित्र है, प्रतिमा है, मानो सो मानो तो गंगा माँ हूं, नहीं तो बहता पानी। वो अचेतन अवस्था में जाने लगे और धीरे 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 उनको ऐसा लगा कि उनकी पीठ कोई सहला रहा है, सर से पीठ तक कोई सहला रहा है, जैसे फूल से कोई सहला रहा है। उसके बाद वो अचेत हो जाते हैं। सुबह को आंख खुलती है अपने मित्र के पास, जो सब लोग कलेक्टिवली ही रहते हैं, मित्र के पास जाते हैं, मित्र उन्हें देखकर कहता है कुछ अलग से लग रहे हो, कुछ अलग से लग रहे हो आज। नहीं मैं तो वही हूं। नहीं, चेहरे पे तुम्हारे आज एक विचित्र शांति है। शांति दिखाने से नहीं आती, भीतर से आती है। चेहरे पे एक विचित्र सी शांति, उद्वेग, अधीरता। देखो मस्तक पर सब लिखा होता है। ये बात मैं सामान्यता इसलिए नहीं कहता कि लोग मेरे पास आना बंद कर देंगे, लेकिन लिखा होता है किसमें कितनी निंदा और ईर्ष्या बाकी है, लिखा होता है। खैर हमारा चूंकि दायित्व ऐसा है, जो गुरु महाराज जी थमागे, जो जाबाल जी 6 वर्ष तक रख उसके पीछे पड़े रहे, और सुबह उसका मित्र कहता है चेहरे पे एक विशेष तेज है, धैर्य छलक रहा है तुम्हारे चेहरे पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसे ही ना है। फिर वो कहता अच्छा समय हो गया, मैं जाता हूं रसोई की तरफ। वो गए और जाकर बैठे थे, ऋषि आते हैं और उन्हें ब्रह्म विद्या सिखानी शुरू कर देते। क्या फर्क आ गया? जो व्यक्ति अभी कुछ दिन पूर्व ईर्ष्या कर रहा था अपने मित्रों के दीक्षित होने पर, यहां तक कि कार्यक्रम में भी नहीं गया उनके, जो दीक्षांत समारोह होता है, हमारे दीक्षांत समारोह होता था, स्नातक होता था व्यक्ति, यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। श्री राम को स्नातक कहा जाता है ऑथेंटिकली बता रहा हूं, ऑथेंटिक रूप से बता रहा हूं। तो उस दीक्षांत समारोह में नहीं जाता था ईर्ष्या की वजह से, उसको वह ब्रह्म विद्या सिखाना शुरू कर दिया आज से। क्यों? अब उसमें धैर्य आ गया, अब उसमें ईर्ष्या जाने लगी, अब वो चेहरे से ही शांत था, अब वो इन निंदा राग द्वेष उसका चेहरा बताओ तो ऋषि है ना, अब उन सब से दूर आ चुका था, अब उसका वो चरित्र निर्माण हो गया था।
अब जब चरित्र निर्माण हो गया था तो ऋषि को उसका विद्यार्थी मिल गया। अब उस विद्यार्थी को शिष्य रूप में स्वीकार किया और वे ब्रह्म विद्या सिखानी प्रारंभ कर दी, जो अनेक विद्याओं का समुच्चय है। अब वो सिखानी शुरू कर दी और उसका समय पर दीक्षांत हुआ। और वह व्यक्ति जो स्लो लर्नर था आज ब्रह्म विद्या का जानकार शिष्य बन गया। अब इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने कही हैं, सुनाई हैं, विश्लेषण नहीं किया। आई एम नॉट गिविंग यू एनी फाइनल वर्ड दैट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट योरसेल्फ। और कभी किसी से चलते फिरते पूछूंगा, जो सो गए उनसे नहीं पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाकी से पूछूंगा, क्या तुम्हारा स्टैंड है, तुम्हारा टेक क्या है, क्या हुआ होगा वहां पर, क्या थी वो पेडागोजी। सरकार भी लाइसेंस का टेस्ट लेने के बाद लाइसेंस इशू करती है, लेकिन हम लोग अध्यात्म में और गुरु पर भी गुस्सा कर देते हैं, इतने सालों से हम घूम रहे हैं, दादा सिखाए दी, सिखाओ, लायक हो जाओ, सिखा देंगे, इस लायक हो जाओ। इफ यू डोंट डिजर्व, डोंट डिजायर। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपके अपने विश्लेषण के लिए छोड़ दिए, आप उसका विश्लेषण कीजिएगा। होमवर्क भी तो कुछ होना चाहिए, क्या हुआ, कैसे सब कुछ हो गया, कैसे वो सीख गए, क्यों नहीं सीख पा रहे थे, और कैसे हमें अपने बच्चों को डील करना है, कैसे हमें दुनिया के बच्चों को अपना बच्चा समझने की योग्यता लानी है। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। जो अपने आप को बड़े आध्यात्मिक पूजा पाठी कहते हैं, उनके भी बस की बात नहीं है। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। तो गुरु महाराज को जब कहते थे, आपके लिए तो सब बराबर ही हो जाए, ये क्या, तो वह हंस के चुप हो जाते थे। कभी कभी कह देते तो मैं हुई ऐसा। कुछ लोगों को ये समझ में आ चुका था, गुरु महाराज का जो मानसिक स्तर है वो इतना ऊपर उठ चुका है कि अब उनकी नाव नदी के ऊपर तैरती है, नदी उनकी नाव में नहीं रहती है। इतना विशाल हृदय उनका हो चुका है कि उन्हें कोई अंतर ही किसी चीज में नजर नहीं आता, भेद नजर नहीं आता। अब वो अभेद हो गए। ओम। तो अगली बार ये चर्चा और गहन करेंगे, अगर शिविर से आ गए तो आ जाएंगे, शिविर से आ जाएंगे तो अगले, ठीक है, तो अगली बार इस चर्चा को और सघन करेंगे और गहन करेंगे। मैं शिविर में एक टास्क देता हूँ, लोगों के बस के लिए उसे पूरा करना, कठिन टास्क है बहुत, और टास्क क्या है, चुप रहना।
जो चुप नहीं रह सकता वो ईश्वर से जुड़ ही नहीं सकता। और जब आप चुप रहने लगेंगे तो आपकी वाणी में मधुरता आने लगेगी खुद ब खुद। और जो साधक होता है उसका बोलने का बहुत कम मन होता है, अपने आप ही अंदर से ही। तब तक उसका अभ्यास कीजिए, चुप रहिए, मौन रखिए, और केवल होंठों का मौन नहीं, दिमाग का भी मौन, नहीं तो टीवी ऑन करो 8 बज गए। हरिओम। तो अब ध्यान करेंगे। अच्छा लोग बड़े आनंद से प्रफुल्लित भाव से बैठ जाइए। और ध्यान के बाद फिर भजन सुनेंगे। हैं, सुनाओगे? सुनाओगे?